आतंकी संगठन लश्कर इस्लाम ने जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं में लगे कश्मीरी पंडितों को एक पोस्टर के जरिए धमकी दी है। इस पोस्टर में लिखा कि हवाल ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें या मरने के लिए तैयार रहें। इस पोस्टर में माइग्रेंट कॉलोनी के प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए लिखा गया कि सभी प्रवासी और RSS एजेंट कश्मीर छोड़ें। पोस्टर में लिखा कि ऐसे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में एक और इसराइल चाहते हैं और कश्मीरी मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी सुरक्षा दोहरी या तिहरी कर लो और टारगेट किलिंग के लिए तैयार रहो, तुम मरोगे। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साझा मंच गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन ने कश्मीरी पंडितों से अपील की है कि वो घाटी छोड़कर ना जाएं। गठबंधन ने कहा कि ये उनका घर है और यहां से उनका जाना सभी के लिए पीड़ादायक होगा। गठबंधन ने केंद्र से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में ही सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की। इस बाबत गुपकर घोषणा गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। इस बैठक में गठबंधन के नेताओं ने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि कश्मीरी मुसलमानों का। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को बडगाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मौत के घाट उतारा था, जबकि शुक्रवार को पुलवामा में SPO रियाज अहमद को निशाना बनाया गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को ढेर किया, जिसमें राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकी भी थे।